लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें कि छतरपुर में सरकारी राशन ले उड़े हितग्राही। सरकारी राशन की दुकान से जबरन राशन ले उड़े लोग सेल्समैन के सामने ही दुकान में रखे हुए राशन को लोगों ने उठा लिया। आपको बताते चले कि सरकारी दुकान जो उचित दर दुकान के नाम से भी होती है, आसपास आपके भी ये होगी, सरकार की तरफ से मिलने वाले राशन को ये लोगों में बांटते हैं। और ये दुकान पर लोग आए और सरकारी राशन की दुकान को लोगों ने लूट लिया। अब लोगों का यह कहना है कि सेल्समैन 2 महीने से दुकान ही नहीं खोल रहा था। इस बारे में अब ये देखिए, तस्वीरें भी उस दौरान की सामने आई हैं। खाद्य अधिकारी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सेल्समैन 2 महीने से दुकान नहीं खोल रहा था और विभाग ने अब निलंबित कर दिया है। जिला खाद्य अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए। बिजावर ब्लॉक के अंधियारा गांव का ये पूरा मामला है, छतरपुर से सामने आया। सरकारी दुकान से अब राशन लूट लिया गया है और इस पूरे मामले में राशन की लूट की गई है। द्वारा वितरण किया जा रहा था दुकान का, तो मुझे उसने फोन करके बताया कि कुछ लोगों ने, गांव के लोगों ने दुकान में लूट कर दी। ठेकेदार ने बताया मुझे, जानकारी फोन पर दी, तो मैंने उससे कहा कि आप जाके सफाइया कराओ। तो वो आगे उसने आवेदन कर आवेदन दिया। और नरेंद्र परमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। नरेंद्र, ये क्या मामला है, ये अराजकता कैसी? नरेंद्र से संपर्क अभी नहीं हो पाया, फिर से प्रयास करते हैं बात करने का। अब ये देखिए तस्वीरें, देखिए सरकारी दुकान में देखिए जबरन धक्का मुक्की, जबरदस्ती और राशन की बोरियों को उठा उठाकर लोग ले जा रहे हैं। बाहुबल पर ये राशन की लूट हो रही है। अब ये इसमें ग्रामीणों का दोष माने या फिर जिसकी दुकान है, जो सेल्समैन है उसका। देखिए जबरदस्ती सरकारी दुकान में इस तरह से राशन उठाकर ले जाना तो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं हो सकता, लेकिन क्या परिस्थितिजन्य इस पूरे मामले में इसे उचित ठहराया जा सकता है? जनता जनार्दन अपने विवेक के अनुसार तय करे। हालांकि इस पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई क्या लोगों के खिलाफ भी की जाएगी, ये भी एक अहम सवाल है। चूंकि अगर इस तरह की वारदातों को जरा भी पनाह दी गई तो देश में व्यवस्था खराब हो सकती है, अराजकता का माहौल हो सकता है। आप देखिए 4-5 लोग सेल्समैन को पकड़कर खड़े हैं, बाकी अंदर घुस करके जिसके हाथ जो लग रहा है वो उठाकर ले जा रहा है। और यहां पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे अगली खबर का, जहां खंडवा में लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। यात्री प्रतीक्षालय में ये लाश मिली है। आपको बता दें कि गोरधड़ फाटा यात्री प्रतीक्षालय में ये शव मिला है और ये सूचना पुलिस को दी गई। और यहां खंडवा के नर्मदा नगर में कार्रवाई की गई है। नर्मदा नगर पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और जिस तरह से ये डेड बॉडी मिली है, हत्या की आशंका यहां पर जताई जा रही है। और खंडवा की ये जो पूरी वारदात है, इस बारे में बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित, हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आखिर क्या है ये पूरा मामला? आशीष, मैं बता दूं कि ये पूरा मामला खंडवा जिले के नर्मदानगर पुलिस थाना क्षेत्र का है और सड़क किनारे ही पुनासा सनावर रोड पर एक यात्री प्रतीक्षालय है, वहां एक व्यक्ति की लाश होने की सूचना मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, एफएसएल की टीम को भी मौके के लिए रवाना किया गया है। फिलहाल इस मृत व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है, इसकी शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। सभी थाना क्षेत्रों में ये कहा गया है कि अगर कोई गुमशुदगी दर्ज हुई तो वो बताए। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि ये हत्या है या कोई और वजह है इसके पीछे की, वो जांच में ही सामने आ पाएगा। एफएसएल की टीम जब यहां पहुंचेगी और फॉरेंसिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यहां से साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई
की जाने की बात की जा रही है, लेकिन फिलहाल इस व्यक्ति की शिनाख्त किए जाने के प्रयास हैं और क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। सड़क किनारे इस तरह किसी व्यक्ति की खून से सनी लाश मिलना कहीं ना कहीं लोगों को डरा भी रहा है। निश्चित रूप से, और ये जो पूरा मामला है बेहद चौंका देने वाला है। पहचान अभी तक हो नहीं पाई है, पहचान के बारे में भी जांच अभी चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बिलासपुर में रिटायर्ड अधिकारी से ठगी का एक मामला, जहां शादी का झांसा देकर 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। बता दें कि इस अधिकारी की पत्नी की मौत हो चुकी थी और बाद में एक शादी का ऑनलाइन विज्ञापन दिया गया था और विज्ञापन दे एक महिला ने अफसर से संपर्क किया और पीड़ित अफसर ने एसपी से अब इस पूरे मामले में शिकायत की है। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या है आखिरी पूरा मामला? आशीष जी देखिए, एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था, जिसके बाद उन्होंने शादी का एक विज्ञापन ऑनलाइन जारी किया था, जिसके जरिए उस दिए हुए नंबर के आधार पर कुछ ठगी करने वाले जो लोग हैं वो उससे संपर्क किए और इससे अलग अलग किस्तों में जो है 1 करोड़ रुपए जो है वो ठगी कर ली। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित रिटायर्ड अधिकारी है वो एसपी से मुलाकात किया और एसपी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस का ये दावा है कि आज से कल तक इस पूरे मामले का खुलासा जो है पुलिस करने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकल कर सामने आया है। लगातार जालसाज जो है साइबर ठग के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादातर इसमें देखेंगे आशीष जी तो पढ़े लिखे लोग जो है वो इसकी जद में आ रहे हैं। फिलहाल बड़ा खुलासा होने की संभावना है, आज या कल इस पर पुलिस बड़ा खुलासा कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए उमेश। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि बिजली की समस्याओं को लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी और बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, दीपक बैज, भूपेश बघेल समेत पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। रायपुर में अलग अलग जगह पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों और ब्लॉक्स पर ये प्रदर्शन किए जाने की तैयारी है। फिलहाल रायपुर से ये मिल रही जानकारी, जहां रायपुर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं बिजली के खिलाफ। और बढ़ते हैं आगे फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने की शुरुआत करते हैं सुपर फास्ट नोट की। खरगोन में बस और ट्रक में भिड़ंत, बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर, 6 यात्री घायल।